जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि बजाज की सिटी 110 में हमें BS6 का इंजन देखने को मिलने लगा है। अगर आप शोरूम में जाते हैं लेने के लिए BS6, लेकिन अगर आपको ऑफर में मिल रही है BS4, तो आपको कितने रुपए का अंतर देखने को मिलेगा कैश पे और लोन पे, वही मैं आज मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही एक बात और मैं आपको बता दूँ कि मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको समझा दिया है, अगर आप लेते हैं BS4 गाड़ी तो सेकेंड ओनर के रूप में आपको गाड़ी कैसी मिलेगी, कैसी उस गाड़ी की कंडीशन रहेगी, सारी बातें मैंने आपको बता दी है, तो आप उसे देख सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। सबसे पहली बात, हम यहाँ पे बात करेंगे बजाज सिटी 110 की सेल्फ स्टार्ट वाली मॉडल, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक स्टार्ट। इसमें आपको अलॉय व्हील भी देखने को मिलेगा। तो ये बात करते हैं कीमत में क्या अंतर हमें देखने को मिलेगा। एक शोरूम कीमत की बात करेंगे, बजाज सिटी 110 BS6 के आपको पड़ेगी एक शोरूम कीमत लगभग से 51,520 रुपये, और वहीं आपको पड़ेगी BS4 की एक शोरूम कीमत 43,456 रुपये। RTO अमाउंट रोड टैक्स आपको देने पड़ेंगे BS6 के लिए 4,500 रुपये, BS4 के लिए देने पड़ेंगे आपको RTO अमाउंट और रोड टैक्स 5,846 रुपये। इंश्योरेंस की आपको कीमत पड़ेगी BS6 के लिए 5,700 रुपये, वहीं आपको पड़ेगी BS4 के लिए 5,500 रुपये। ऑन रोड कीमत आपको पड़ेगी बजाज की सिटी 110 BS6 की डेली एरिया में 61,800 रुपये से लेकर 66,500 रुपये तक के बीच, और वहीं आपको पड़ेगी BS4 की ऑन रोड कीमत डेली में ही 54,880 रुपये से लेकर 59,000 रुपये तक के बीच। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप रहते हैं डेली NCR में, तो आपको वहाँ पर BS4 गाड़ी अब आप नहीं ले पाएंगे, तो आपको BS6 की लेनी होगी। स्वागत है आपका मेरे वाले चैनल में कार और बाइक के बारे में सही कीमत और उसकी सही जानकारी के लिए। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और साथ ही इस बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिए। बात करेंगे दोनों ही गाड़ी के ऑन रोड कीमत के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों 5,000 से लेकर 7,000 रुपये का अंतर आपको देखने को मिल रहा है कैश पर, और वहीं अगर आपको BS4 पर डिस्काउंट मिलती है तो और भी आपको बेनिफिट होने वाली है अगर आप लेते हैं इसे कैश पे। आइए आपको बताते हैं क्या अंतर देखने को मिलेगा। तो ऑन रोड कीमत जैसे कि मैंने आपको बताया था BS6 सिटी 110 की 61,000 रुपये से लेकर 66,000 तक के बीच, और BS4 की मैंने आपको बताया था 54,000 से लेकर 59,000 तक के बीच। अगर आप करते हैं डाउन पेमेंट 20,649 रुपये, आपको बता दें कि दोनों ही गाड़ी के मैंने ली है बिल्कुल ही सेम डाउन पेमेंट, ताकि आपको पता चले कितने रुपए का अंतर आपको देखने को मिलेगा EMI पर। तो अगर आप करते हैं BS6 के लिए 20,000 रुपये तक की डाउन पेमेंट, ऑन रोड कीमत रहेगी 61,800 रुपये, तो लोन अमाउंट लगभग से निकल कर आएगी 41,210 रुपये तक की। अगर आप कहते हैं 2 साल के अंदर आपको इसकी EMI पेमेंट कर देनी है। वहीं बात करेंगे BS4 के बारे में, जिसकी भी हमने ली है 20,000 डाउन पेमेंट, ऑन रोड कीमत रहेगी 54,000, तो लोन अमाउंट निकल कर रहेगी 34,000 रुपये तक की। समय दोनों की है 2 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करेंगे वो है 12%। तो आपकी BS6 सिटी 110 के लिए हर महीने की EMI निकल कर आएगी 2,129 रुपये, और वहीं आपके BS4 के लिए हर महीने की EMI निकल कर आएगी 1,611 रुपये, यानी कि आपको लगभग से 700 से लेकर 500 रुपये तक अंतर आपको देखने को मिलेगा BS6 और BS4 की EMI में। कैश कीमत में आपको ज़्यादा अंतर देखने को मिल रहा है, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि डाउन पेमेंट मैंने लगभग से सेम टू सेम किया है। तो आपको बता दें कि अगर आपको BS4 गाड़ी ऑफर में मिल जाती है, 5,000 से 10,000 रुपये तक अगर आपको ऑफर मिलता है, इतनी तो मिलेगी नहीं, क्योंकि दोस्तों डिपेंड करेगी शोरूम वाले के ऊपर, कंपनी ने अभी इस गाड़ी को बनाना बंद कर दिया है। तो अगर आपको डिस्काउंट में मिलती है तो आप उसे परचेस करिएगा, अगर आपको नहीं मिलती है तो आप BS6 भी ले सकते हैं। EMI में आपको ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आइए होगा BS6 और BS4 की ऑन रोड कीमत और EMI में हमें कितना अंतर देखने को मिल रहा है। तो वीडियो पसंद आएगी लाइक करना, शेयर करना तो बनता है, सब्सक्राइब जरूर से करिएगा चैनल को ऐसी ही जानकारी वाली वीडियोज़ हमेशा पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद अस।